यामा आरएस 100 को आप लोग सभी जानते होंगे, काफी एक लेजेंड बाइक है और काफी पॉपुलर बाइक है अपने टाइम की, और इसके आज भी काफी फैन है और काफी लोग इसको पसंद भी करते हैं और काफी लोग इसको मॉडिफाई कराकर अपने पास रख रहे हैं। यामा कंपनी ने अपनी इस बाइक को 1985 में इंडियन मार्केट में पहली बार लॉन्च किया था और उसका जो प्रोडक्शन है वो 1996 में बंद कर दिया था, क्योंकि थोड़े से स्ट्रिक्ट लॉ आ गए थे उस समय के अकॉर्डिंग। इस बाइक की जो उस समय ओनर प्राइस थी वो थी 19,700 रुपए, मतलब 1989 की बात कर रहा हूँ मैं, इस समय की बात नहीं कर रहा मैं। तो यामा आरएक्स 100 काफी लेजेंडरी बाइक है और काफी पॉपुलर बाइक है, काफी फैन है इसके अभी भी। तो यामा के बारे में मैं कुछ ऐसे 5 फैक्ट लेके आया हूँ जो शायद आप लोग जानते होंगे, अगर जानते होंगे तो कमेंट जरूर कर देना, अगर नहीं जानते तो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो, तो इस वीडियो को पूरी एंड तक देखना। इस वीडियो में बात करूंगा तो यामा आरएक्स 100 के बारे में। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, जो कि है 5 मस्ट नोन फैक्ट अबाउट आरएक्स 100। तो पहला तो फैक्ट है आरएक्स 100 का इंजन और परफॉर्मेंस। यामा आरएक्स 100 के अंदर 98 cc का सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता था आपको, जो कि दो स्ट्रोक है। और आरएक्स 100 अपने इस इंजन के साथ 11 bhp का पावर जनरेट करता था 7,500 rpm पे और 10.3 Nm का टॉर्क देता था 6,500 rpm पे। और मजे की बात यह है, इतना ही सेम पावर जनरेट करती है आज की 125 cc की बाइकें, मतलब उस समय की ये बाइक सोच लो 100 cc की बाइक जिसके अंदर 98 cc का इंजन लगा हुआ है, 11 bhp का पावर दे रहा है, और आज 125 cc की बाइक इतना सेम पावर जनरेट कर रही है। यामा आरएक्स 100 का जो टोटल वेट था वो 103 kg था। आरएक्स 100 इतनी हल्की बाइक थी अपने जितनी भी राइवल कंपनी थी उनके सामने कि लोग इसको ज्यादा प्रेफर कर रहे थे। अगर मैं आज एवरेज 125 cc की बाइक की बात करूं, उनका वजन इससे 20 kg ज्यादा होता है। तो दूसरा मस्ट नोन फैक्ट है आरएक्स 100 के बारे में, वो है इसका डिजाइन और स्टाइल। काफी सारी कंपनी ने रेप्लिकेट करना चाहा आरएक्स 100 के डिजाइन को, जो कि बेसिक राउंड हेडलाइट और फ्लैट सीट, मगर वो फेल हो गए काफी बुरी तरह से, क्योंकि उन सब कंपनी को उस हिसाब से कस्टमर नहीं मिले जिस हिसाब से आरएक्स 100 को अभी भी मिल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी चाहते हैं कि उनके पास आरएक्स 100 हो। आरएक्स 100 का जो चार्म है वो अभी भी ऑन द टॉप है, क्योंकि इसको मॉडिफाई कराना काफी कम इनोवेटिव और कम पैसे लगते हैं इसके अंदर। बाइक ओरिजिनल की ओरिजिनल भी रहती है। इंडिया में जो रेट्रो डिजाइन लवर है बाइक के, उनके लिए आरएक्स 100 का क्रोम फेंडर, एग्जॉस्ट और हेडलाइट केसिंग काफी अच्छा डिजाइन है और अच्छी बाइक है, क्योंकि इससे अच्छी इमेजिनेशन कोई नहीं कर सकता रेट्रो डिजाइन को लेकर और इस सेगमेंट के अंदर। और इस बाइक के अंदर काफी डिसेंट लुकिंग इंजन केसिंग भी देखने को मिलती है, वो भी 2 स्ट्रोक यामा बाइक में। तो तीसरा फैक्ट है आरएक्स 100 के बारे में, वो है इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल। यामा आरएक्स 100 के अंदर 3-piece इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, जिसके लेफ्ट सेक्शन में न्यूट्रल और हाई बीम लाइट है, सेंटर के अंदर स्पीडोमीटर है और राइट वन के अंदर की सेक्शन है। आरएक्स 100 में जो इंडिकेटर की लाइट है वो 2 parts में डिवाइडेड है, लेफ्ट और राइट, मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट। यामा आरएक्स 100 के अंदर आपको गियर स्पीड भी देखने को मिलती है, वो भी स्पीडोमीटर के अंदर, और जो इसका 4th gear है वो सीधा इस बाइक को 100 km की स्पीड में ले जाता है, जो कि इस बाइक की टॉप स्पीड है। मगर इस बाइक के अंदर आपको रेड सेक्शन देखने को मिलता है जो कि 100 के बाद आता है, जो कि कभी भी अचीव नहीं कर पाए हैं लोग, भले ही वो स्लोप पे चला रहे हो बाइक तब भी। मगर कुछ लोगों ने क्लेम किया है कि जो उनका स्पीडोमीटर है कुछ समय के लिए उस रेड सेक्शन में था, बाकी इस चीज की कोई वेरिफिकेशन नहीं हो पाई है। तो चौथा फैक्ट है आरएक्स 100 के बारे में, वो है इसका सक्सेसर। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, यामा आरएक्स 100 आउट ऑफ प्रोडक्शन हो गई थी 1996 में, लेकिन उसके बाद कंपनी आरएक्स 135 लेके आई थी, जो कि इसका एक अलग वेरिएंट था मोटरसाइकिल फैन के लिए। आरएक्स 135 के अंदर 132 cc का इंजन अवेलेबल था, जो कि 4 और 5 speed गियरबॉक्स के साथ आता था, और उनका नाम भी थोड़ा अलग अलग था, दोनों ऑप्शन का नाम थोड़ा अलग था। यामा की नई जनरेशन बाइक थी, ये बाइक 14 bhp का पावर जनरेट करती थी और 12.2 Nm का टॉर्क जनरेट करती थी। और अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं, मतलब 2021 की बात करूं, जो आज अवेलेबल है 150 cc वाली बाइक, वो भी इतनी पावर जनरेट नहीं करती जितनी कि यामा आरएक्स 135 कर सकती थी। मतलब एक तरह से ये जो आज की डेट में 150 cc वाली बाइक है वो इतनी क्विक नहीं थी जितनी कि यामा आरएक्स 135 थी। और यामा आरएक्स 135 का इतने क्विक होने का एक रीजन था कि इसका जो वेट था वो 116 kg था। यामा की इस बाइक के आने के बाद यामा ने थोड़ा सा अपने जो इसके कस्टमर्स थे थोड़ा सा रिटेन कर पाए थे, मगर फिर भी इतना रिटेन नहीं कर पाया था जितना वो आरएक्स 100 पे कर पाए थे, क्योंकि वो एक अलग बाइक थी, ये थोड़ा सा उसका मॉडिफाइड लुक आ गया था, तो लोगों को इतना पसंद नहीं आई थी जितनी उनको आरएक्स 100 पसंद आई थी। और अभी मैं एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं आपको, यामा कंपनी अपनी आरएक्स 100 को दोबारा लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है इंडिया के अंदर। या तो वो आरएक्स 100 लॉन्च करेगी या तो आरएक्स 135 दोबारा करेगी इंडियन मार्केट में 4 stroke इंजन के साथ। तो पांचवा फैक्ट है आरएक्स 100 के बारे में, वो है 2 stroke बैन रिपोर्ट। मार्च 2019 में एक न्यूज सर्कुलेट हुई थी कि इंडियन गवर्नमेंट ने 2 stroke बाइक को बैन कर दिया इंडिया के अंदर, जिसकी वजह से जितने भी यामा आरएक्स 100 के ओनर थे काफी कंफ्यूजन में थे। मैं अपने इस वीडियो में ये क्लियर करना चाहता हूँ आप लोगों को कि वो जो न्यूज आई थी 2019 में वो फेक थी और ऐसा कोई बैन नहीं लगाया इंडियन गवर्नमेंट ने 2 stroke बाइक को लेके, क्योंकि जो बाइक पहले से रजिस्टर्ड है अथॉरिटी के अंदर
उसको इंडियन गवर्नमेंट कैसे पूरी तरह से बैन कर सकती है। बाकी इसको लेकर और कोई ऐसी रिपोर्ट आई नहीं है न्यूज में कि इंडियन गवर्नमेंट का ऐसा कोई आगे रोल आ सकता है या नहीं। बाकी अगर इसके रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं अपने इंस्टाग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप लोग मेरे को वहाँ पे चाहो तो फॉलो कर सकते हो। अगर आपको इससे रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या पर्टिकुलर वीडियो भी चाहिए तो आप मेरे को वहाँ पे डीएम भी कर सकते हो। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपके डाउट क्लियर करने की, आपकी जो वीडियो के लिए बोला है वो बनाने के लिए। बाकी इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी मटेरियल होगी तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।